हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाशदीप वंकट, नर्सिंग ऑफिसर एम्स। एंड आज का वीडियो है इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड टू आवर नर्सिंग फील्ड। लास्ट वीडियो के लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, जो आपने उनको हमें रेस्पॉन्स दिया, उसको पसंद किया। सो ऐसे वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर और बेटर वे के अंदर इम्प्रूव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट कीप मोटिवेटिंग मी लाइक दिस। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स का। नंबर वन, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। अब मास्लो से हायरार्की का अंदर हम बात कर रहे हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या आप राइट ऑप्शन चूज करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिजियोलॉजिकल? ये एक इम्पोर्टेंट, सिंपल बट माइनर मिस्टेक्स एंड अगेन रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से एक है। यहाँ पे माइनर मिस्टेक क्या करते हैं हम कि हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड का हमें पता होना ज़रूरी है। अगर पूछ ले गए क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड का अगर पूछ ले गए तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स इसका राइट आंसर होगा। और फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन, सेक्स, फूड, वाटर और कम्फर्ट, ये सब एक्टिविटीज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आती है और ये नीड पूरी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लोस हायरार्की, नीड नहीं देकर हाईएस्ट लेवल पूछ ले मास्लोस हायरार्की का, तो आपको चूज़ करना है राइट आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्योंकि यहाँ हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर नीड और लेवल तो अलग अलग टर्म्स वर्ड्स देकर हमें कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। नीड पूछ ले तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, और अगर लेवल पूछ ले तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एक माइनर बट बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है, जिसकी कारण हम बहुत बार कंफ्यूज होकर ये मिस्टेक कर देते हैं और हमारे एक नंबर डिडक्ट हो जाता है हमारे स्कोर में से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बल्जिंग फॉन्टनल इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ इंक्रीज ICP। यस, इन केस ऑफ इंक्रीज ICP न्यूबॉर्न्स के अंदर बल्जिंग फॉन्टनल मतलब फॉन्टनल जैसे नॉर्मली कंडीशन के अंदर जैसे होता है फ्लैट, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभार टाइप होता है, बल्जिंग होता है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शंस, जाइलोकेन या लिडोकेन हम ICUs में यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट, द यूनिवर्सल साइन फॉर चॉकिंग इज क्लचिंग द हैंड टू द थ्रॉट, मतलब कोई अगर एक पेशेंट है कॉन्शियस कंडीशन में और मतलब सेमी कॉन्शियस कंडीशन के अंदर अगर आपके पास में आता है तो आप देखिएगा उसको फील होता है कि जैसे कोई क्लच कर लिया हो, ऐसे दबा के प्रेस कर दिया हो, जिससे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो रहा हो और उसको एकदम रेस्पिरेटरी कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड फील होती है, सफोकेशन की कंडीशन फील होती है, यानी चॉकिंग की कंडीशन में ये एक यूनिवर्सल साइन माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लचिंग द हैंड टू द थ्रॉट इन केस ऑफ चॉकिंग। नेक्स्ट की पॉइंट, बर्न केस में सबसे पहले आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे? आपके पास में बर्न केस है तो सबसे पहले आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे? हमेशा ध्यान रखिए एयरवे मेंटेन करना अदर डिजीज़ की तरह इस कंडीशन में भी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि हम पेशेंट का एयरवे मेंटेन करें, चाहे वो गुडल से एयरवे से हो या एंडोट्रेकियल ट्यूब से हो। मेंटेन दी एयरवे, पेटेंसी ऑफ द एयरवे मस्ट एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की पॉइंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द बर्न पेशेंट, तो हमेशा ध्यान रखिए अभी हमने डिस्कस किया एयरवे मेंटेन रखना। एयरवे मेंटेन क्यों रखना? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का इन केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन होता है, जिससे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी फेल्योर की कंडीशन डेवलप होती है। सो रेस्पिरेटरी फेल्योर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, और उसी के रिमूव करने के लिए मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए बॉडी में ब्लड के अंदर लेवल को कम करने के लिए हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग मीडियम्स। ओके, नेक्स्ट मतलब जो कोज सेकेंड कोज माना जाता है डेथ का इन केस ऑफ बर्न, वो होता है सेप्टिसीमिया यानी इन्फेक्शन। सो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी फेल्योर फर्स्ट कोज, सेकेंड कोज इज सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इन इमरजेंसी कंडीशन कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट फैक्स इन टेलीफोन और अनदर मीडियम से भी गेन कर सकते हैं। यस,
हम देखते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे हम ई मेडिसिन फॉर एग्जांपल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ये एक टाइप है मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करने का, वैसे ही इस तरीके से भी हम कंसेंट ले सकते हैं। अगर ब्लड रिलेशन वाला कोई पर्सन हमारे आसपास के मतलब पेशेंट के सराउंडिंग के अंदर मौजूद है, हम उसे कॉल करके इन्फॉर्म करके कंसेंट ले सकते हैं। अगर वो टाइमली नहीं पहुँच सकता और हमें अगर प्रोसीजर स्टार्ट करना है किसी पेशेंट का, कोई ऑपरेशन स्टार्ट करना है, लाइफ सेविंग कंडीशन है और कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा हो, सो उस कंडीशन में हम ऐसे ले सकते हैं। और अगर किसी का कोई स्ट्रेंजर पर्सन आ गया, किसी का कोई रिलेटिव वगैरह, कुछ जानकारी नहीं है, उस कंडीशन में गवर्नमेंट अथॉरिटी से एज एन अप्रूवल गिविंग पर्सन हम उनसे कांटेक्ट करके इसके रिगार्डिंग अप्रूवल ले सकते हैं, कंसेंट ले सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन है। ओके, नेक्स्ट, इन्फॉर्म कंसेंट मस्ट फॉर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर। यस, किसी भी तरह का कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर हो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करते हो आप, कोई टेस्ट करते हो, कोई ऑपरेशन करते हो, तो उसके बाद में होने वाली कॉम्प्लिकेशन के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्या आपने पेशेंट को उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं? क्या आपने उसके रिगार्डिंग उनकी सहमति ली है या नहीं ली है? आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखें इन रूटीन हम के कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं प्री ऑपरेटिवली, जैसे ब्रोंकोस्कोपी हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, कोलोनोस्कोपी हो गया, या ऐसा कोई भी आप टेस्ट ले लीजिए, एक्टिविटी ले लीजिए, जिसके अंदर पेशेंट की कंडीशन आफ्टर प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्या आपने उसको पेशेंट को बताया? अगर पेशेंट एडल्ट है तो ध्यान रखिए कि कोई भी ऑपरेशन और प्रोसीजर, उसके लिए 4 पर्सन की कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, डॉक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर हमें पता है, डॉक्टर, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट का रिलेटिव या गार्जियन। ओके, नंबर 3, स्वयं पेशेंट, पेशेंट सेल्फ एक कंसेंट देने का अधिकारी होता है एडल्ट कंडीशन के अंदर। नंबर 4, आप नर्सिंग ऑफिसर एज एन एविडेंस। मान लीजिए अगर पेशेंट माइनर है तो उस कंडीशन में भी तीन पर्सन होंगे रिस्पॉन्सिबल कंसेंट लेने के लिए। नंबर 1, डॉक्टर। नंबर 2, पेशेंट का गार्जियन। एंड नंबर 3, आप एज एन एविडेंस। मतलब 3 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एम्स जैसे हो गया, पीजीआई हो गया, जीएमसीएच हो गया, ईएसआईसी, या अदर कोई भी, अगर मैं बात करूँ किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में कंसेंट लेने का यही प्रोटोकॉल होता है, और इसे ही प्रॉपरली हम फॉलो करके पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने का प्रोसीजर काम कर सकते हैं, क्योंकि कंसेंट लेना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ ओटी। अगर आपने कंसेंट ली है तो आपका किया जाने वाला ऑपरेशन किसी भी तरीके के कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है, सो इसे अश्योर करना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मतलब कोई पेशेंट है, ठीक है, साइन करने की कंडीशन में मतलब डिसेबल्ड है या वो नहीं कर सकता है, ठीक है, तो और वो मतलब आप मतलब उसको कंसेंट लेना है प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपको उससे, तो क्या इसके लिए प्रोसीजर है? तो इसके लिए प्रोसीजर है, अगर कोई पेशेंट किसी भी कंसेंट फॉर्म पर साइन करने में असमर्थ है तो वो किसी भी 2 गवाह, अब वो 2 गवाह कोई भी हो सकता है, चाहे नर्स हो चाहे वो डॉक्टर हो, दोनों के सामने क्रॉस बनाकर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्रॉस बनाकर कंसेंट फॉर्म में, ठीक है, और उसके साथ में अगर मतलब स्टाम्प पैड से हम थंब इम्प्रेशन लेना चाहे तो थंब इम्प्रेशन, दोनों ही चीज़ें करके, ठीक है, हम कंसेंट ले सकते हैं, इसका भी प्रोविजन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन आए तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मतलब बॉडी की कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में सबसे पहले डैमेज होने वाले सेल्स कौन सी है? ऑब्वियसली न्यूरॉन्स, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अगर मोर देन 5 मिनट्स बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लैक हो तो इरिवर्सिबल डैमेज होने लगते हैं एंड पेशेंट लीड्स टू कोमा एंड डेथ। तो हमारे सबसे पहले अफेक्ट होने वाली सेल्स कौन सी है? न्यूरॉन्स। और आज का हमारा लास्ट एंड वन आल्सो इम्पोर्टेंट की पॉइंट कि इवेंट ऑफ फायर अगर कहीं पर हो सो सबसे पहले आपका क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा, मतलब एक्टिविटी इंटरवेंशन रहेगा उस कंडीशन में एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ नर्सिंग ऑफिसर और एज अ सिविल पर्सन। सो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले
हम एक एक्रोनिम फॉलो करते हैं, रेस, RAC, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रिसेंटली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। एंड मेरे कुछ दो तीन फ्रेंड्स, या फिर यूँ कहे कि मेरे दो तीन बैचमेट्स, या मतलब कोई भी एक फ्रेंड सर्किल के अंदर बंदे हैं, वो मिल रहे तो उन्होंने ये बताया, तो मैंने कहा ऐसा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम बर्न के केस में किसी भी पेशेंट को अगर इवैक्यूएट करना है, तो हम देखते हैं कि उस कंडीशन में हमें इवैक्यूएट करने के लिए सबसे पहले एक इंटरवेंशन का एक एक्रोनिम होता है, वो फॉलो करना होता है, वो होता है रेस, यानी R यानी रिमूव द पेशेंट, A यानी एक्टिवेट द अलार्म, C यानी कन्फाइन द फायर, एंड E यानी एक्सटिंग्विश द फायर। इस वे के अंदर हम प्रॉपरली बर्न के केस में पेशेंट का और जितने भी पर्सन से उनका इवैक्यूएट करके, उनको उस एरिया से रेस्क्यू करके जहां बर्न हुआ है, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ सेव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, आप मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करके बताएं। एंड इसके अलावा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। कीप मोटिवेटिंग मी। बाय बाय फ्रेंड्स।